शिक्षार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अब एक महानिदेशक कैबिनेट ने मंजूर की, शासन ने अलग अलग रहेंगे दोनों विभाग, यहां पर देख सकते हैं। हम रोजाला ब्यूरो की रिपोर्ट है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नियंत्रण में अब तक बेसिक के सब माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय होंगे। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी। हालांकि शासन स्तर पर दोनों विभाग अलग अलग ही रहेंगे। कैबिनेट ने भविष्य में महानिदेशक स्कूल शिक्षा डीजीआई की पद सृजित अधिकार कर्तव्य निर्णय संदर्भ में किसी संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पर बात किया जा रहा है ग्रामीण रोजगार के। ग्रामीण रोजगार घटने से बेरोजगारी बढ़कर 7.8% हो चुकी है। सीएमआई का दावा है कि सितंबर में 4 साल के निचले स्तर पर थी दर। 78 लाख रोजगार जो है घंटे बेरोजगार हो रहे हैं, यानी कि 56 लाख अधेर बेरोजगार बढ़े हैं। वहीं पर 8.04% पहुंच गई है ग्रामीण बेरोजगारी। अक्टूबर में सितंबर में 5.84 थी, यानी कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले काफी दिनों से किस तरह से जनता संघर्ष कर रही है। अगली खबर की बात करें तो ट्रांसलेटर परीक्षा में 3,224 अभ्यर्थी सफल रहे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर फर्स्ट परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। आपको बता दें, कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर की सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2022 पेपर फर्स्ट की परीक्षा परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। पेपर टू की परीक्षा में शामिल होने के लिए 3,224 अभ्यर्थियों ने सफल घोषित किए गए, और सफल अभ्यर्थियों की एसएससी वर्ग के 777 एसटी वर्ग के और 240 ओबीसी वर्ग के और 1208 ईडब्ल्यूएस के, 435 अनारक्षित वर्ग के, 450 ओएच के, सब मिला के यहाँ पर जितनी सीटें थी भर ली गई हैं। वहीं पर अगली खबर आपके स्क्रीन पर है कि व्हाट्सएप पर अब 32 लोग एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल। ग्रुप में शामिल होकर कर सकेंगे 1,024 लोग, कई ग्रुप बनाकर रह सकेंगे। कम्युनिटी के खिलाफ यहां पर बात की गई है, पूरी रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खाली सीटों की जानकारी, आजकल खुलेगी मिड डे एंट्री। यहाँ पर बात किया जा रहा है सीएसएस के तहत आवेदन करने वाले विफल रहे छात्रों के लिए। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कई पाठ्यक्रमों में सीटें खाली होने के कारण खोला जा रहा है फिर से विकल्प। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। अगली खबर की बात करें तो स्कूली शिक्षा का फैल रहा उजियारा, बढ़ा नामांकन। तो जैसा कि आपको पता है, नामांकन पिछले वर्ष से बढ़ रहा है, जिसमें 1-2 करोड़ की जनसंख्या बढ़ चुकी है। हालांकि शिक्षक भर्ती के नाम पर ऐसी कोई खबर नहीं है। जब चुनाव आता है या फिर कोचिंग संस्थान वाले कुछ अपडेट देते हैं तो ऐसी झूठी खबरें छाप दी जाती हैं, जो कि बच्चे एडमिशन करा लेते हैं और कोचिंग संस्थानें फिर से चलने लगती हैं। अगली खबर की बात करें तो प्रवक्ता भर्ती का अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। यहाँ पर बात करें, प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण और प्रवक्ता यांत्रिकी अभियंत्रण के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो आपके स्क्रीन पर है कि अफसरों के पास समाधान नहीं है, सड़क पर 6,000 बेरोजगार। विवाद होने पर 24 जिलों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी नहीं है और खोज सके हैं हल। यहां पर देख सकते हैं 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में से 6,000 पद आज तक खाली हैं, और 15 दिसंबर 2016 को हुई थी ये भर्ती, जिसमें 24 जिले के पद शून्य थे। यानी कि आप समझ सकते हैं 12,000 में आप यहां पर देख सकते हैं 6,000 पद आज तक खाली हैं, भर्ती करने का नामो निशान नहीं है, बच्चे सड़क पर टहल रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पर बात किया जा रहा है आपके फर्जी श्रमिक ले रहे योजनाओं का लाभ। यानी कि जो फर्जी श्रमिक नामांकन करा के योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से श्रमिकों को 5,000 रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा हुई थी, जिसमें बहुत से फर्जी लोग श्रमिक कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। हालांकि इस कार्य में सरकार सख्ती से जाँच कर रही है, गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो ये रही आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर बात किया जा रहा है BIZAG स्टील प्लांट में मौके हैं 31 पद के लिए, माइन फोरमैन व अन्य पदों के लिए खाली हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आयु सीमा अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है, और पात्राएँ उम्मीदवार ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ALIMCO में भर्ती हैं 10 पदों के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। RSMSSB में अवसर हैं 3,531 पदों के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद रिक्त हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, 450 रुपये का शुल्क है, 8 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज की बुलेटिन यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसको बोलते हैं टेलीग्राम चैनल, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी खबरें मिलती रहेंगी जो आपसे रिलेटेड होती हैं। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।